मात्र 8 साल की लड़की ने ऐसा विश्व रिकॉर्ड बना दिया जो अब तक के इतिहास में कोई नहीं बना पाया। तापमान था -25 डिग्री से भी कम और लड़की चढ़ गई 5,642 मीटर ऊंची रूस की सबसे ऊंची चोटी पर। हाथ में तिरंगा पकड़ा, भारत माता की जय बोली और छू लिया आसमान, हर कोई कर रहा सलाम। कौन है ये लड़की जिसने खेलने कूदने की उम्र में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया? आठ साल की वो उम्र जब बच्चा अपना कच्चा ठीक से नहीं पहन पाता, उस उम्र में इस लड़की ने इतिहास बना दिया। एक ऐसा इतिहास जिसे सुनने मात्र से ही लोगों के पसीने छूट जाएं, जिसे करने से पहले आदमी एक नहीं हजार बार सोचे, उसे इस 8 साल की लड़की ने करके दिखा दिया और कर लिया विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम। दरअसल ये लड़की इतनी छोटी सी उम्र में हाथ में तिरंगा लेकर रूस की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गई। देखती रह गई दुनिया, क्योंकि उम्र भले ही उसकी छोटी हो पर कारनामा वो किया जो आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया। इस लड़की का नाम है सानवी सूद, जिसने रूस की सबसे ऊंची चोटी पर भारतीय तिरंगे को फहराकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। बता दें कि 8 साल की यह बच्ची पंजाब के रूपनगर शहर की रहने वाली है और यादवेंद्र पब्लिक स्कूल मोहाली में पढ़ती है। इस लड़की ने अपने पिता दीपक सूद के साथ 24 जुलाई को रूस में अपनी पहाड़ी यात्रा शुरू की, जहां मौसम बहुत खराब था और तापमान -25 डिग्री से भी कम था। लेकिन सानवी ने भारत माता की जय के नारे लगाए और रूस की सबसे ऊंची चोटी 5,642 मीटर माउंट एल्बर्स के शिखर पर तिरंगा फहरा दिया, जिसे दुनिया देखती रह गई। लड़की का कहना है कि उसका मुख्य उद्देश्य भारत की लड़कियों को सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने जीवन में बड़े काम कर सकें। इतना ही नहीं, पिछले साल भी सानवी सूद मई 2023 में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियस्को पर चढ़ी थी और इस बार तो उन्होंने बाकी इतिहास पलट दिया। अब हर जगह बस सानवी की ही चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ESK न्यूज।